हेलो दोस्तों, साथ आप सभी की मैं चैनल द रियल एस्टेट कलम में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप सभी को आंसर भी इनके दिखाऊंगा, जितने भी बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास एजुकेशन का सब्जेक्ट है स्किल अनाउंसमेंट में मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो विद आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, इस वीडियो में आपको आंसर भी दिखाता हुआ चलूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर के जिनके पास स्किल अनाउंसमेंट में एजुकेशन का सब्जेक्ट है, क्वेश्चन देख लो और उनके आंसर भी देख लो। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके ऊपर स्टडी कर लेना, इन्हीं में से सारा कुछ पूछा जाएगा घुमा फिरा के, ठीक है। अभी मैं आपको इनके क्वेश्चन के आंसर दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो मेन क्वेश्चन है उनको मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा, जो 95% कन्फर्म है आने ही आने हैं। ऐसे क्वेश्चन कुछ मैं आप सभी को निकाल के बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए हो पढ़ने के लिए, ये जो जिसमें से मैं आप सभी को क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। 50 रुपये में आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा ये, ठीक है। तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख लो, कौन कौन से क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे और उनके आंसर भी देख लो साथ में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी व्यक्ति की अक्षमता उसके सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है, किन्हीं दो अक्षमताओं के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर देख लो, नीचे दे रखा है इसका आंसर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसे ज़रूर पढ़ना आप लोग, ये वाला भी ज़रूर पढ़ना आप लोग, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका नीचे आंसर दे रखा है, आंसर देख लो। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कुछ क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा उन्हें एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा मैक्सिमम, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट आप सभी को बता दूंगा, उनके ऊपर स्टडी जरूर करना, एक्सप्लेन कर दूंगा उन्हें। तो इस वीडियो में देख लो, आपको ये सब पढ़ना है। और किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो 50 रुपये में दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, किस तरह संस्था एक समावेशी कार्य क्षेत्र बन सकता है, विस्तार से बताएं, ठीक है। किस तरह संस्था एक समावेशी कार्य क्षेत्र बन सकता है, विस्तार से बताएं। तो नीचे इसका आंसर देख लो, नीचे इसका आंसर दे रखा है, याद समझना कि क्या महत्वपूर्ण है समावेशी भाषा का प्रयोग करना, ठीक है। दोस्तों इसके ऊपर भी ज़रूर स्टडी करना समावेशी के ऊपर, आप लोग ये जो क्वेश्चन आप सभी को दिखा रहा हूँ इसके ऊपर भी ज़रूर स्टडी करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसा है, समझ लो 90% कन्फर्म है पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, मेन उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सार्वजनिक स्थलों पार्क पुस्तकालय सिनेमा हॉल नाट्यशाला में से कोई एक चुनकर उसकी पहुँच पर टिप्पणी लिखिए। तो तीसरे का आंसर देख लो नीचे। दोस्तों ये क्वेश्चन इन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा बना के दिया है। इसी तरह से दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो अपनी तरफ से दे सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है बाहर से आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन जिससे कि आप खुद से बना के कर सकते हो, ऐसे एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ईजी, ठीक है, कि जिससे कि आप खुद अपने माइंड से लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एक दो, तो इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, नीचे इसका आंसर है। ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो नीचे इसका आंसर दे रखा है, ये आंसर देख लो इसका, ठीक है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये भी ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। अधिनियम 2016 ये ज़रूर पढ़ना है आप सभी को, ये जो जितने भी अधिनियम है 2006, 1995, 2016 ये ज़रूर पढ़ना है आपको। जो विकलांग लोगों के लिए अधिनियम आया था वो 1995 में आया था, ठीक है, प्रस्ताव आया था।
ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जरूर पढ़ना आप लोग ये। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, आपका ये चौथे का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे इसका आंसर दे रखा है पांचवे का भी, तो पांचवा क्वेश्चन देखिए। तो इसमें देखिए क्या बोला है पांचवे क्वेश्चन में, गरीबी अक्षम व्यक्तियों के नकारात्मक जीवन अनुभव को प्रबल करती है, चर्चा कीजिए। तो नीचे इसका आंसर दे रखा है, गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों के बीच विकलांगता की महत्वपूर्ण दर को प्रदर्शित करने के लिए, तो नीचे इसका आंसर दे रखा है, ये भी जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर लिखना है आपको, ठीक है, विकलांगता में जो होते हैं, गरीबी में विकलांगता। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, ठीक है, ज़रूर पढ़ लेना। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, छठा। छठे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण के कौन से पहलू अक्षम व्यक्तियों के समक्ष अवरोध प्रस्तुत करते हैं। तो इसका आंसर देख लो नीचे, ठीक है, भौतिक, समाज और मनोवैज्ञानिक। तो आपका छठा क्वेश्चन हो गया। तो ये छठा क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से दिखा देता हूँ जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा देता हूँ जो आपको पढ़ने ज़रूर हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको और पढ़ने हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन जरूर पढ़ना है आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन के ऊपर स्टडी जरूर करना, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, क्या आपको लगता है कि लिंग और विकलांगता समाज में विकलांग महिलाओं के लिए दोहरा भेदभाव पैदा करती है, अपने जवाब का औचित्य साबित करें। तो इसका आंसर नीचे दे रखा है, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके ऊपर जरूर पढ़ लेना आप लोग, इन्हीं में से सारा कुछ आने वाला है। जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया उनके ऊपर तो स्टडी जरूर करना आप लोग। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये रहा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। विविधता और विकलांगता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, विविधता को विकलांगता के रूप में संबोधित करने में बाधाएं उत्पन्न करने के विभिन्न कारकों को बतलाइए। तो नीचे इसका आंसर दे रखा है, ठीक है, जरूर पढ़ना है आपको ये क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। विकलांगता, विविधता, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको जो आने ही आने हैं, मैक्सिमम 90%। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, कंप्लीट आपका। अब दोस्तों एक ही नीचे क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें बहुविकलांगताएं, ये जरूर पढ़ना है आपको। बहुविकलांगता का मतलब है कि एक व्यक्ति में कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे अंधा हो गया, बहरा हो गया, तो उसे हम बोलते हैं बहुविकलांगता है, ठीक है। एक ही इंसान में इतनी ये दो तीन चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे लंगड़ा भी हो गया, ठीक है, देख भी नहीं सकता, तो उसे हम बोलते हैं बहुविकलांगता है,
ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके आप सभी को बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसे ज़रूर पढ़ना आप लोग 8वें क्वेश्चन को भी। तो यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जरूर पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। समावेशन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके विभिन्न रूपों की चर्चा भी कीजिए, तो ये भी जरूर पढ़ना है आप सभी को। दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, समावेशन और समावेशी ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, कहीं आप लोग ये मत समझना समावेशन एक है और समावेशी भी एक है, ठीक है, ये दोनों एक ही वर्ड हैं, ये मत समझना। ये समावेशन अलग है, समावेशी अलग है। तो इसमें देखिए समावेशन का मतलब क्या है, समावेशन का मतलब है एक होम रूम बनाने के साथ जुड़ा है, ठीक है, एक होम रूम यानी एक घर को समावेशी बनाना, ठीक है, कि जिसमें सभी बच्चे बैठ सकें, सारे बच्चे एक साथ बैठ सकें, चाहे विकलांग हो चाहे कैसा भी बच्चा हो, ठीक है, समावेशन इस तरह का है, ठीक है, समावेशन इस तरह का होना चाहिए, समावेशन एक होम रूम बनाने के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसमें बोला गया है। और एक समावेशी है कि एक बच्चे को, जैसे कोई बच्चा विकलांग है वो अपने आप को अलग फील कर रहा है कि मैं विकलांग हूँ, मैं इन सभी बच्चों के जैसा नहीं हूँ, तो समावेशी में उस बच्चे को सभी के साथ बैठाया जाए, मतलब एक क्लासरूम में सबको एक समान समझा जाए, इस तरह से उस बच्चे को बैठाया जाए, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे समावेशी एक बच्चा विकलांग है तो सभी बच्चों के साथ जैसे नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ बैठाया जाए उस बच्चों को, तो वो हो गया समावेशी, ठीक है, समावेशन हो गया एक होम रूम बनाने के साथ जुड़ा है, तो ये है, ठीक है, इस चीज़ को समझना आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके मैं आप सभी को बता दूंगा, तो अभी देख लो, ये ज़रूर पढ़ना आपको, ठीक है, सेकंड का जो आंसर है ये ज़रूर पढ़ना आपको। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रूर पढ़ना है आपको, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लें। और ये तीसरा क्वेश्चन भी देख लो, इसमें तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, समावेशन में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, शिक्षक की क्या भूमिका होती है समावेशन में। तो ये भी ज़रूर पढ़ना है आपको। ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, यहाँ तक हो गया आपका ये कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन ये भी देखिए, ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहिष्करण सबसे आपका क्या तत्पराय है, सामाजिक बहिष्कार क्या है, तो इसे ज़रूर पढ़ना आप लोग, नीचे इसका आंसर दे रखा है, सामाजिक बहिष्कार, ठीक है, ये भी पढ़ना आप लोग। इनके ऊपर स्टडी कर ली तो समझ लो अच्छे खासे नंबर आपके आ जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। किसी बच्चे को PDF चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, 50 रुपये में आप सभी को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा ये, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, यहाँ तक ये कम्प्लीट हो गया आपका। तो एक क्वेश्चन ये रहा, ये भी ज़रूर पढ़ना है आपको, ठीक है, विकलांगता परिभाषित करते हुए इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, विकलांगता परिभाषित करते हुए इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए, तो नीचे इसका आंसर दे रखा है, ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। दोस्तों थोड़ा स्लो दिखा रहा हूँ कि जिससे आप लोग स्टडी कर सको, अगर PDF चाहिए 50 रुपये में आप सभी को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना आपका, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला भी ज़रूर पढ़ना, ये सेकंड क्वेश्चन इसमें बता रखा है दूसरा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर पढ़ना, क्षति क्या है, क्षति और विकलांगता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर पढ़ना आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, यहाँ तक ये पढ़ लेना। तो एक क्वेश्चन ये रहा, ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पृथक्करण सबसे आपका क्या तत्पराय है, पृथक्करण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, आपको ये ज़रूर पढ़ना है, नीचे इसका आंसर दे रखा है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए।
तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन ये भी जरूर पढ़ना दोस्तों, ठीक है, एकीकरण क्या है या कितने प्रकार का होता है, तो नीचे इसका आंसर देख लो, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर पढ़ना आप सभी को, ठीक है। समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को बतलाइए, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ना है। समावेशी और समावेशन, जैसा कि मैंने आगे वीडियो में आप सभी को बताया था, समावेशी क्या है और समावेशन क्या है। समावेशी एक व्यक्ति को समझता है, मतलब एक विकलांग व्यक्ति समाज में रहने लायक कैसे बनाया जाए, एक क्लासरूम में कैसे सभी के साथ एक समान समझा जाए उसे, ठीक है, कैसे बैठाया जाए, कैसे उसे पढ़ाया जाए, ठीक है, सबको मतलब सबको एक समान समझा जाए, क्लासरूम में नॉर्मल बच्चा भी है और विकलांग बच्चा भी है, उसे ऐसा फील ना कराया जाए कि वो समाज से अलग है, ठीक है। तो ये समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को बतलाइए, तो ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो नीचे इसका आंसर दे रखा है, तो ये पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक हो गया इसका कंप्लीट। और ये नीचे वाला भी ज़रूर पढ़ना आप, एक छठा क्वेश्चन ये दे रखा है ना, ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग। पृथक्करण के लिए किस प्रकार के कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है, तो ये भी ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये जरूर पढ़ना। तो एक क्वेश्चन ये रहा, ये भी जरूर पढ़ना, ठीक है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और महत्व को बतलाइए, तो ये भी जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और महत्व को बतलाइए, ये तो जरूरी पढ़ना है आप सभी को, समावेशी के ऊपर, समावेशी शिक्षा के ऊपर, शिक्षा। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ तक ये पढ़ लेना। तो ये रहा एक क्वेश्चन, ये भी जरूर पढ़ना आप सभी को, ठीक है, समावेशन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों ये अलग है समावेशन, ठीक है, समावेशी अलग है, समावेशन अलग है, ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है एग्जाम में, समावेशन पूछ रहा है या समावेशी पूछ रहा है। तो यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, और आपका ये दूसरा क्वेश्चन ये भी जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। सलामान का सम्मेलन 1994 पर लेख लिखित, ठीक है, ये भी जरूर पढ़ना आप लोग। अगर आपको PDF चाहिए, 50 रुपये में आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा ये, ठीक है, जिस भी बच्चे को चाहिए पढ़ने के लिए। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, तो ये भी जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लगा है, सबके लिए शिक्षा 2000 डकार सम्मेलन के सम्मेलन में किन उद्देश्य को स्वीकार किया गया था, तो ये भी जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए भी। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, यहाँ तक ये पढ़ लेना। चौथा भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये डकार विश्व सम्मेलन, ठीक है, ये भी जरूर पढ़ना आप लोग।
तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। तो अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसके ऊपर भी स्टडी आप लोग जरूर करना। भारत में विकलांगता अधिकारों के विकास पर टिप्पणी कीजिए, तो नीचे इसका आंसर दे रखा है, इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर करना, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक पहला, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी ज़रूर पढ़ना आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, तो इसके ऊपर भी ज़रूर पढ़ना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका दूसरे का, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन भी जरूर, ये जरूर पढ़ना, ये तीसरा क्वेश्चन भी। PWD अधिनियम 1995 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए, तो ये तीसरा तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है। जो अधिनियम आया था वो 1995 में आया था, तो ये जरूर पढ़ना आप लोग, ये जरूर आ सकता है। PWD अधिनियम 1995 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए, तो नीचे इसका आंसर दे रखा है, आंसर भी देख लो। तो ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब चौथा देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। RPWD 2016 क्या है, विस्तार से बतलाइए, तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना, ठीक है। RPWD 2016 क्या है, विस्तार से बतलाइए, तो इसके ऊपर भी देख लो दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन जरूर पढ़ने आपको, जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चार तक तो आपको जरूर पढ़ने, ये वाले और ऊपर के भी जरूर पढ़ने जो आगे बताएं वीडियो में। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना, आपका ये कंप्लीट हो गया। ये पांचवा भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, पांचवा भी। RPWD 2016 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। तो एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम RCI 1992 क्या है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। तो नीचे इसका आंसर दे रखा है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना, देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो यहाँ तक आप लोग ये पढ़ लेना, ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 2006 को समझाएं,
विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 2006 को समझाएं, तो ये जरूर पढ़ना आप लोग, ये भी आ सकता है। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया आपका। और दोस्तों ये पांचवा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है। विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 2006 और शिक्षा को विस्तार से समझाएं, ठीक है। विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 2006 और शिक्षा को विस्तार से समझाएं, तो ये जरूर पढ़ना। आप लोग नीचे इसका आंसर दे रखा है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना, देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने बताए हैं, ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन था, इनके ऊपर भी स्टडी जरूर करना। जो क्वेश्चन पेपर मैंने आप सभी को दिखाया है प्रीवियस ईयर का, उनके ऊपर भी जरूर पढ़ना, और ये जो क्वेश्चन दिखाए हैं इनके ऊपर भी स्टडी जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा जिन्हें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, जो 95% कन्फर्म एग्जाम में आने ही आने हैं, तो उनके ऊपर भी स्टडी आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है, एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने बच्चे हैं, और अगर बच्चे को PDF चाहिए पढ़ने के लिए इसकी, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, 50 रुपये में दोस्तों आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी है, मतलब कि जब तक ऐसे में रहोगे हेल्प होती रहेगी। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम तो दोस्तों ख़त्म ही है आपका, फिर तो सीखते सेमेस्टर शुरू है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।